नमस्कार मित्रों, एक रहीम जी का बहुत सुंदर सा दोहा हम डिस्कस करेंगे। तो दोहा कुछ ऐसे है, दिन हार कोई और है, भेदत जो दिन रहन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। तो दोस्तों, ये दोहे का अर्थ ये है कि जो देने वाला है, रहीम जी कहते हैं, वो कोई और है। एक्चुअली वो ईश्वर को बारे में इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ, जो सब कुछ हमें देता है। और जो हम चैरिटी दे रहे हैं, समाज कल्याण कर रहे हैं, रहीम जी कहते हैं वो इस तरह से करना चाहिए कि आंखें झुका के रखनी चाहिए। मतलब हमें उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, याद रखना चाहिए हम बस एक माध्यम हैं। तो दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से मानव को रहीम जी ये प्यारा सा संदेश दे रहे हैं कि अच्छे से अच्छे काम करें, दिल खोल के करें, लेकिन कभी भी उसका प्राइड गर्व नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि हमें याद रहना चाहिए कि जो भी हो रहा है अल्टीमेटली वो भगवान की कृपा से ही हम करवा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं, निमित मात्रम, मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि याद रखो कि तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक माध्यम हो। अगर हम माध्यम के भाव से चलेंगे तो हम अहंकार से बचे रहेंगे और ह्यूमिलिटी के साथ विश्व कल्याण में अपना योगदान दे सकते हैं। अब तुलसीदास जी बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने लोगों से सुना कि भाई रहीम जी तो बड़ी डोनेशन और चैरिटी करते हैं लेकिन शर्मा जाते हैं, अपनी आंखें झुका लेते हैं। तो इवन दो तुलसीदास जी अंतर्यामी थे, उनको तो पता था कि क्यों हो रहा है, लेकिन जो संत होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं जगत कल्याण के लिए, ताकि ऑर्डिनरी लोग बातों को समझ सकें। तो तुलसीदास जी ने उनको एक नोट लिख के भेजा कि भाई ऐसा क्या है, आप इतनी चैरिटी करते हो फिर आंखें क्यों झुका लेते हो। तो उसके आंसर में रहीम जी ने ये उत्तर दिया था कि अल्टीमेटली रहीम जी ने यही समझाया था कि उन लोगों को कितनी रियलाइजेशन है। देखिए, कितने जितना हम डिवोशन में आगे चलेंगे उतनी ये रियलाइजेशन हम सबको होनी चाहिए कि अल्टीमेटली करने वाला हमेशा ईश्वर होता है, उस परमेश्वर के साथ जुड़े रह के विनम्रता से जगत कल्याण में अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दोहे के साथ। धन्यवाद।